धो डाला रोन डाला बर्बाद कर डाला अंग्रेज गेंदबाजों को बॉलिंग ही बुला दी बेचारों को जियो शेरो जियो ये हुई ना बात अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता पाँच सौ छप्पन रन और वो भी इंग्लैंड की तूफानी बॉलिंग के खिलाफ जबरदस्त कारकरी क्या होती है बतला दिया पाकिस्तानी शहीनों ने दुनिया की बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग को तिगनी का नाच नचा दिया तीन प्लेयर्स ने सेंचुरिया दागी एक ने फिफ्टी मारी फास्ट बॉलर नसीम और शहीन ने भी अपना हिस्सा डाला लग रहा था कि ये एक टीम है सबको दिखाई दे रहा था कि ये जीतने आए हैं सभी खिलाड़ियों ने जान मारी और पहुंचा दिया स्कोर साढ़े पाँच सौ के पार सलमान अली आगा ने कहा अपुन भी मारेगा सेंचुरी और फिर आगाजी आते ही छा गए इंग्लैंड की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दिया और वो भी जोरदार अजीम शान सेंचुरी खड़का डाली सिर्फ 119 गेंदों पर 104 रन बनाए और बैट कैरी किया से से के स्ट्राइक रेट से खेले 10 चौके मारे और तीन छक्के जड़े साथ ही साथ अपने 1000 टेस्ट रन भी पूरे किए और हर मत भूलें तौल शिकील के बयासी रन खालिस्तान टेस्ट इनिंग्स खेली उन्होंने अगर छोटा डान ये इनिंग्स ना खेलता तो कभी भी पाकिस्तान का स्कोर पाँच सौ छप्पन तक ना पहुँचता नायब कप्तान जी ने ना सिर्फ खुद आला बैटिंग की बल्कि नसीम शाह को भी खिलाया साथ। तभी तो नाइट वॉचमैन आने वाले नसीम शाह भी 33 रन बना गए मगर दुख इस बात का हुआ कि मोहम्मद रिजवान सिफर पर आउट हो गए बस क्या कहें बैड लक होगी आज उनके साथ वरना सेंचुरी पक्की थी हमारे शेर जवान मोहम्मद रिजवान की लेकिन कोई बात नहीं गिरते हैं कह सवार ही मैदान जंग में अब देखना रिजवान बाबू नेक्स्ट टाइम स्कोर करेंगे खैर इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये तो तय है कि स्क्योर कर लिया है ये मैच टीम पाकिस्तान ने लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे बॉलर जल्द आउट कर पाएंगे इंग्लिश बल्लेबाजों को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चार पाँच सौ स्कोर इंग्लैंड भी बना डाले कितने चांसेस हैं कि यह मैच ड्रा हो जाए क्या पाकिस्तानी बॉलर्स बल्लेबाजों की तरह कमाल दिखा पाएंगे क्या पिच हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी और शान मसूद की कप्तानी का कितना अहम किरदार होगा इस मैच में ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और लाइक कर लें जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें तो दोस्तों अब गेंद आ गई है पाकिस्तानी बॉलर्स के कोर्ट में बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिखाया साढ़े पाँच सौ का प्रेशर ही बहुत बड़ा होता है इस प्रेशर को मजीद बढ़ाना है हमारे बॉलर्स ने और किल्लियाँ उखाड़नी हैं वो भी जल्द अज जल्द इंग्लिश बैटर्स को मौका ही नहीं देना सेट होने का यही सोच रखनी है कि एक इनिंग से जीतना है ये मैच क्योंकि अगर 400 से जायद स्कोर कर लिए ना इंग्लैंड ने तो फिर नहीं जीत पाएंगे हम फिर तो डरा ही होगा ये मैच इसलिए ये नौबत आने ही नहीं देने कम से कम अढ़ाई 300 की लीड चाहिए पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को और यकीनन तीसरे दिन से पिच हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी आसान नहीं होगा खेलना जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यह पिच स्पिनर फ्रेंडली होती जाएगी खैर पाँच के पहाड़ का फायदा टीम पाकिस्तान तभी उठा सकती है जब शाह मसूद उठाना चाहें। शान मसूद को भला की अग्रेसिव कैप्टेंसी करना होगी इन्हें बॉलर को सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा अगर वो इस इम्तहान में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान भी ये मैच जीत जाएगा अब आप कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान के ये टेस्ट जीतने के कितने चांसेस हैं और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें शुक्रिया